देहरादून में सीएम धामी के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को अपने लेटर हेड पर एक पत्र लिखकर सीएम के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस के पकड़े गए 3 वाहनों का चालान निरस्त करने की बात की है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इसके बाद सीएम ने पीआरओ को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब कांग्रेस को एक अहम मुद्दा सरकार को सदन में घेरने का मिल गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने तो सरकार को सदन के बाहर से ही घेरना शुरू कर दिया और मीडिया को दिए गए बयान में सीएम से तत्काल इस्तीफा देने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीआरओ के लेटर हेड मामले के बाद सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अब मौलिक अधिकार नहीं है, तत्काल सीएम इस्तीफा दें। प्रीतम सिंह ने कहा कि चिट्ठी में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दिए हैं कि पीआरओ ने तो सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया है। तो ऐसे में सीएम से इस्तीफा देने की मांग यहां कांग्रेस करती नजर आ रही है। प्रीतम सिंह ने सीएम से इस्तीफा मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि पीआरओ को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद सीएम ने पीआरओ को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद अब सीएम धामी को कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें कि पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को आपको बता दें कि अपने लेटर हेड पर एक पत्र लिखकर सीएम के मौखिक आदेशों का हवाला देते हुए पकड़े गए वाहनों को चालान निरस्त करने की बात की है। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, इस के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ है सीएम धामी के पीआरओ को लेकर, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये मामला पुलिस अधीक्षक बागेश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पीआरओ के द्वारा एक पत्र उनको जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश को देखते हुए पत्र वो जारी कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि कुछ वाहन है जिनको चालान जिनका काटा गया था और उन चालानों को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के पीआरओ ने पत्र लिखा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस पत्र में जो आदेश की रूप लिखा है वो इस तरीके से लिखा गया है कि मौखिक आदेश के अनुसार वो इस पत्र को लिख रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों पर यदि वाहनों को छोड़ा जाता है, या फिर कहा जा सकता है कि मौखिक आदेश अब सरकार देने लगेगी, तो इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री मौखिक आदेश देंगे तो उनके जो कार्यपालने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी साथ के लोग होते हैं, जो पत्र पत्रावली बनाते हैं, वो ऐसे ही लिखेंगे कि मौखिक आदेश के कहते हुए इन सभी को पूरा किया जाए। लेकिन अगर एक सरकार में थोड़ी सी भी अगर कार्यशैली करने की क्षमता नहीं है तो इस तरीके के आदेश ना जारी करे और तुरंत इस्तीफा दे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार के मौखिक आदेशों पर काम नहीं किया जाता, बल्कि लिखित आदेशों पर काम किया जाता है। और जिस तरीके से पत्र लगातार वायरल हो रहा है और विपक्ष के पास भी पहुंचा है, तो विपक्ष साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को इस पत्र को लेकर कहीं ना कहीं अपने सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भंग करने की मांग वो कर रहे हैं। बिल्कुल सुभाष, और इसीलिए सदन में भी घेरने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि लेकिन देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष को एक मौका मिल गया है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार जाने अनजाने में विपक्ष को इस तरह के मौके मिल रहे हैं कि वो घेर सके बीजेपी को। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन बड़ी चीज ये है कि अंतिम समय में विपक्ष के पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सदन के अंदर सरकार को घेरती भी नजर आ रही है, और कुल मिला के जो सत्र अंतिम सरकार का, इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हावी होती भी नजर आ रही है पूरी तरीके से, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा, सरकार के मंत्रियों को घेरा, और आज मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश को लेकर वो सदन के अंदर सरकार को घेरे हैं, तो कहा जा सकता है कि जो विपक्ष, कहा जा रहा था कि विपक्ष सरकार का मित्र है, बेहतर तरीके से मुद्दे नहीं उठा रहा है विपक्ष के नाते, लेकिन अब क्योंकि अंतिम सत्र है तो देखा जा रहा है विपक्ष सदन के अंदर पूरी तरीके से सरकार पर हावी नजर होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड का पूरा मामला है जहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सीएम अपना इस्तीफा दें, और ऐसे में सदन में भी पूरी तरह से विपक्ष सीएम को घेरता हुआ नजर आ रहा है। नगर पंचायत दिनेशपुर के चेयरमैन सीमा सरकार के नेतृत्व में गदपुर प्रेस क्लब कार्यालय में जनरल बिपिन रावत और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महामंत्री जसपाल डोगरा ने कहा कि गदपुर प्रेस क्लब कार्यालय में प्रेस क्लब से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य कर्तव्य और जनरल बिपिन रावत के साथ 12 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे में जसपाल डोगरा ने कहा कि प्रेस क्लब की मांग है कि जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर के सभासद हिमांशु ने भी सरकार से कहा है कि जनरल बिपिन रावत हम सबका गौरव थे, वहां हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत के रूप में रहेंगे। देश के लिए एक बहुत ही दुख भरी घटना है कि हमारे देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए। पूरा देश स्तब्ध है और आज गदरपुर प्रेस क्लब द्वारा उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई है, क्योंकि देश ने एक ऐसा वीर सैनिक खोया है जिसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। बड़ी एक दुर्घटना हुई है, कैप्टन मेजर जनरल और जो हमारे तीन सेना के प्रमुख थे उनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ है, और हमारे देश के साथ बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम पूरे दिनेशपुर वासी की ओर से उनको, उनके परिवार को और उनके साथ जो 14 लोग शहीद हुए उनको भी हम सांत्वना देना चाहेंगे पूरे दिनेशपुर की ओर से, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शक्ति दे कि उस बड़ी दुर्घटना हुई है उससे वो उभर सके।